हेलो दोस्तों, देखिए आज हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं लाइट। लाइट जिससे मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इस बार बोर्ड एग्जाम में CBSE में पूछा जा रहा है। आपको मैं पूरी थ्योरी खुद याद करा दूंगा, बस आप लोग मुझे एक चीज़ सपोर्ट करिए कि हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे आपकी पढ़ाया हुआ समझ में आया कि नहीं आया या कहाँ आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको क्लियर शॉर्ट आउट करूंगा। और मेरे एग्जाम में बताए हुए क्वेश्चन ज़्यादातर आ ही जाते हैं, या इसे मेरा लक ही मानिए या कुछ भी मानिए, मैंने पिछली बार जो बोर्ड में कहा था उसमें से मान के रखिए कि 90% कोर्स मेरे फंसे ही थे, क्योंकि मुझे पता होता है कि एक एक्सपीरियंस इसे कह लीजिए कि मुझे पता चल जाता है कि कैसा पेपर बनेगा या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें मेन मेन टॉपिक पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम का समय आ चुका है। बाकी जो हमसे कोचिंग ले रहे हैं उनको तो मैं बता चुका हूँ, मगर आप लोग के लिए मेन मेन टॉपिक में एक समरी बनाया हूँ जिससे आप देखिए, मैं पूरा डीपली आप लोग उसको समझा ही देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ऐसे कोई गया ऐसे और ऐसे चलाया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब एक चीज़ में बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में गया, जैसे यहाँ से आया यहाँ से चला गया, तो इसे कहेंगे रिफ्रैक्शन। अब देखिए करना क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बनाया है, ये प्लेन मिरर है, तो करना क्या है, ये इंसिडेंस रे, इंसिडेंस मतलब आई से शुरू हो रहा है, इंसिडेंस रे इधर से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो इसको मैं रिफ्लेक्टिंग रे कह रहा हूँ। और जो इनके बीच एंगल बन रहा है उसको इंसिडेंस एंगल और इसको रिफ्लेक्टिंग एंगल कहते हैं। तो लॉ क्या बताता है कि देखिए, अच्छा ध्यान से देखिए, ये सारे चीज ऊपर ही है ना, तो कहने का मतलब फर्स्ट लॉ क्या बताता है, द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे क्या है, ये रे की बात कर रहा हूं मैं, रे इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो है लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ हो गया आपका, फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, क्या है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन, ये हम कहते हैं। अब दूसरा क्या आता है, जब हम बाहर बाहर की बात कर लिए तो अब अंदर की बात करते हैं कि हम बोलेंगे इंसिडेंस एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, मतलब इसके ये बराबर होता है, इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। ये तो आ जाता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फॉर्मूला, और ये दोनों टॉपिक आपको जानना जरूरी है। अब आता है इसके बाद कि बच्चे पूछते हैं कि सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं। अब आता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, स्पेरिकल मिरर। तो देखिए स्पेरिकल मिरर को हम लोग क्या चीज से दिखाएंगे, अब एक टॉपिक आता है स्पेरिकल कर मिरर, एक टॉपिक आता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर देखिए दो तरीके का होता है, पहला होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पेरिकल मिरर की डिफिनेशन क्या होगी, आखिर स्पेरिकल मिरर की डिफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। देखिए स्पेरिकल मिरर हम लोग कैसे बता सकते हैं, बोलते हैं स्पेरिकल मिरर, दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। क्या बोलेंगे स्पेरिकल मिरर, क्या बोलेंगे कि स्पेरिकल मिरर, मान लीजिए ये है स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, या तो इधर या तो इधर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, होल स्फीयर ऑफ ग्लास, ये हम तो स्पेरिकल मिरर के बताते हैं। अब हम कैसे इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं अ स्पेरिकल मिरर, अ स्पेरिकल मिरर, अ स्पेरिकल मिरर इज दैट क्या कहेंगे, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ये हम कहेंगे इस स्फीयर ऑफ ग्लास। तो देखिए स्पेरिकल मिरर इज दैट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। देखिए कोई भी ग्लास होगा ना,
हमें जब भी कोई मिरर बनाना होता है, चाहे कॉनकेव चाहे कॉनवेक्स चाहे लेंस बनाना होता है, तो आप देखेंगे सबसे पहले प्लेन मिरर होता है, उसे कर्व किया जाता है, काटा जाता है। जब काटते हैं तो अब उसमें क्या होता है कि किसी किसी जैसे देखेंगे ना, किसी किसी जो काफ़ी ओल्ड एज में होते हैं उनको देखेंगे ध्यान से, उनका ऊपर में थोड़ा सा प्लेन मिरर होगा मगर नीचे में इस टाइप से, जैसे ये चश्मा है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कटा हुआ रहेगा, जो भी हमारा ये चश्मा होता है इसमें देखेंगे यहाँ पे एक ज़्यादा और यहाँ पे दूसरा, तो इसमें दोनों कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव दोनों लेंस बनाते हैं। जब लेंस में हम लोग आएंगे तो हम लोग वो टॉपिक देखेंगे कि क्या होता है। तो अब ये होता किसने, देखिए कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, अब देखिए इनके बीच का डेफिनेशन क्या होगा। पहला होता है कॉनकेव, पहला चीज हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या हम लोग डेफिनेशन इसमें देखिए, किताबी भाषा दिया है, बोला है कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर। तो अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर हम क्या बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बोलेंगे हम लोग, टूवर्ड द सेंटर, टू वर्ड्स द सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि टूवर्ड्स द सेंटर का मतलब हम लोग कहते हैं कि जैसे देखिए आप देखते हैं ना, लेंस से ही समझिए इसको, मिरर को बहुत इजी तरीके से होता है, एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है लेंस। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, तो जब इसमें हम लोग ले आते हैं तो मान लीजिए लाइट यदि ऐसे आ रही है तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, ऐसे फैल जाता है, और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे और ऐसे आके मिलता है टुवर्ड द सेंटर। अब इसमें क्या कहेंगे, सेम चीज बोलेंगे, दूसरा सेम चीज बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, जब हम कहेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे, अ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड द सेंटर इसमें बोले हैं, तो इसमें बोलेंगे अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या बोलते हैं हम लोग कि सर आप बताइए हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है मिरर का, तो इसके लिए एक डायग्राम हम आप लोग को बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखिए इसमें कुछ कुछ टॉपिक होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछता है। तो देखिए अब हमको इसका डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ जैसे बोलेंगे अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, किसी भी स्पेरिकल मिरर का, ये स्पेरिकल मिरर है इसका क्या होगा, सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, मतलब सीधे अ सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या देंगे, अ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, सेंटर ऑफ होल स्पेयर ऑफ ग्लास, किसी ग्लास का जो सेंटर होगा उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना हम लोग, तो बोलेंगे अ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होल स्पेयर ऑफ ग्लास। ये तो हो गया। अब इसी में पूछा जाता है, नहीं सर हमको बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, तो बोलेंगे इसका डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब पूछेंगे नहीं सर आप बताइए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हो गया, अब पॉल बताइए, तो पोल बताएंगे हम, पोल, अब पोल का क्या बोलेंगे, अ पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर, पोल कहां पर होगा, यहां। जैसे देखिए एक डायग्राम मैं आप लोग को बना देता हूं,
ये मैं डायग्राम बना ही देता हूँ आप लोग के लिए, ये हो गया। और इसमें क्या है, ये सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लीजिए मेरा मिरर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये मिरर कट हो गया है, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से। अब यहाँ से एक्स और एक्स डैश दिखाते हैं, और मिरर मेरा एम एम डैश दिखाते हैं। तो देखिए अब यहाँ से डेफिनेशन हमारा क्या बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए उसके लिए पूरा होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है कि नहीं, तो बोलेंगे अ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे, अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अब देखिए जब हम पोल की बात करेंगे, पोल मेरा कहाँ आ रहा है, ये देखिए इसके बीच आ रहा है हमारा, इसके बीच आ रहा है। तो हम बोलेंगे अ पोल इज सेंटर ऑफ क्या चीज के है, ये मिरर। ध्यान से देखिए तीनों डिफिनेशन, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक का रेडियस, भाई किसी भी सर्कल का रेडियस ही ना होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। होलो होलो मतलब पूरे, यहां से यहां तक भी रेडियस होगा। अब बोलेंगे पोल बताइए, तो बोलेंगे अ पोल इज द सेंटर ऑफ, पोल भी सेंटर है क्या चीज का, मेरा क्या चीज का, ये मिरर। क्या बोलेंगे, मिरर का जो सेंटर होगा, पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। अब आता है आपका कि हमको अपर्चर बताइए किसको होते हैं। तो देखिए यहां से लेके यहां तक एक आता है पोल, आप समझ गए होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए होंगे। अब आता है एक मेरा अपर्चर, तो अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए कुछ लड़के हमसे पूछते हैं कि सर ये बताइए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए इसका डिफिनेशन हम बच्चों को नहीं बताते, ये मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है, डिफिनेशन बनाओ इसे, आप लोग क्या करो याद मत करिए, कि याद कर लेते हैं तो क्या होगा। तो देखिए ये मान लीजिए मेरा कॉनकेव मिरर है, सब पूछते हैं सर इसका आप हमको बताइए कि कैसे डिफिनेशन याद किया जाए। देखिए ये है, तो हम उन लोग को डिफिनेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताते हैं, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को भी डेफिनेशन इसकी याद करने के, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर का नहीं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, इसका डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलेंगे ऑल द इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे देखिए अगर इसको हम यहां से यहां सेंटर बना लीजिए, यहाँ से इसका यही सेंटर बना लीजिए, यहाँ से इसका यही सेंटर बना लीजिए, यहाँ से इसका ये सेंटर बनाइए, ये बनाइए और यही बनाइए, मान लीजिए यहाँ पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन कॉनकेव मिरर का, प्रिंसिपल फोकस का हम बता रहे हैं। देखिए बोलेंगे ऑल द इंसिडेंस रे, आखिर ये इंसिडेंस रे है ना, इंसिडेंस रे, और ये जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, मैं आर ई से दिखा दे रहा हूँ। बोलेंगे ऑल द इंसिडेंस रे फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर, ऑल द इंसिडेंस रे फॉलिंग ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टिंग रे मीट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉन एज अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, ऑल द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर, ओके सारी देखिए मिरर सब जा रहे हैं इधर में, फॉल ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टिंग रे, टेड बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रेज रेज कर दीजिएगा, ऑल द इंसिडेंस रेज फॉलिंग ऑन द मिरर
आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टिंग रे मीट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। देखिए मैं अपने बच्चों को किसी को याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट फोर पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो आपका देखिए, मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा चुका, कंप्लीट हो चुका। कुछ भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी वीडियो सब्सक्राइब और शेयर किया करिए। थोड़ा सा मेरा वीडियो बीच में ब्लर हो सकता है क्योंकि देखिए हमारे पास अब पूरी सुविधाएं तो है नहीं। मैं इसी में आप लोग को मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़िए क्योंकि मेरी भाषा ही अच्छी लगेंगी और मेरी भाषा यदि किसी बच्चे को समझ में आती है तो कैमरा मैटर नहीं करता है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, ऑल द इंसिडेंस रे फॉलिंग ऑन द मिरर, रेज बोलिएगा फॉलिंग ऑन द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टिंग रे मीट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉन एज अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आ जाता है कि नहीं हमको ये बताइए कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस बताइए। अब फोकल लेंथ, अब इसी में कभी कभी पूछ देता है फोकल लेंथ बताइए, इसको फोकस लेंथ भी कहते हैं, कि फोकल लेंथ बताइए कि क्या होता है। तो फोकल लेंथ जानते क्या होता है, देखिए जैसे मुझे दोबारा इसे बनाना पड़ रहा है, मान लीजिए ये, सॉरी ये ऐसे जा रहा है और इस सारे एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। ये मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है, ये इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस। अभी आपने फोकस बोला है तो बोलेंगे फोकस लेंथ या फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस लेंथ इज नॉन एज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसी को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। भाई कोई यहाँ बन रहा है, कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ पास में बनेगा, ये जब मैं आपको फोकल लेंथ फोकस के कई बारे में अभी मिरर के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको इसमें एकदम सटीक एक चीज़ें बताऊंगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे दूर हटेगा वो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो अब ये हो गया फोकल लेंथ। अब क्या आता है कि नहीं सर मुझे कॉनकेव का बताइए, सॉरी कॉन्वेक्स का बताइए। कॉन्वेक्स का अंदर में टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ जा रहा है ना, मैंने उसमें बताया था कि ये क्या होता है टुवर्ड द सेंटर होता है कॉन्केव का, अवे फ्रॉम द सेंटर ये होता है। तो देखिए ये रहा आपका इंसिडेंस रे, मैं दो दो करूंगा और ये रिफ्लेक्ट होके क्या हुआ कि ये ऐसे निकल गया और ये वाला थोड़ा ऐसे निकल गया और ये नीचे निकल आया और ये भी नीचे निकल आया। मगर जब इसका ध्यान से देखेंगे डॉटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, अब इसका देखिएगा, इसका डेफिनेशन सेम हो जाएगा, दिस इज ए पोल दिस इज फोकस, इसका भी सेम डेफिनेशन हो जाएगा और देखिए यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगा, वो तो बात की बात है टॉपिक। तो अब क्या आता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो फिर से वही डेफिनेशन, ऑल द इंसिडेंस रे फॉलिंग ऑन द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टिंग रे मीट अ अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, मीट अ अपोजिट साइड ऑफ मिरर, दिस पॉइंट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से सुनिएगा, ऑल द इंसिडेंस रे फॉलिंग ऑन द मिरर, ऑल द इंसिडेंस रे फॉलिंग ऑन द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टिंग रे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में बोल रहा हूं इसमें एक वर्ड याद रखिए, अपोजिट साइड मीट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर।
डेफिनेशन एकदम क्लियर है, एकदम इजी डिफिनेशन है। देखिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे डिफिनेशन आपका अच्छा लगता है कि नहीं। देखिए आप क्या करेंगे, किसी चीज़ को याद करेंगे। मैं कभी याद करने का अपने बच्चों को नहीं बताता हूँ, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, मैं कुछ बच्चों के नाम नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं जिस जगह पर रहता हूँ, अगर मेरी उसमें कई सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो हमारे बच्चों का यदि 25 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है, 25 आउट ऑफ 25 पाते हैं। ये हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, 25 आउट ऑफ 25। आप जानते हैं कि 25 नंबर का आएगा ये। अब कहने का मतलब ये क्या है कि टोटल 80 मार्क्स का हो रहा, फिर 25 केमिस्ट्री में भी है, 25 आउट ऑफ 25। ये मेरे मतलब मेरे जो सबसे मिनिमम बच्चे हैं, जो सबसे कम पाने वाले बच्चे हैं, वो भी फिजिक्स में 25 में 21 तक तो पाए जाते हैं, मतलब 20 के एबव ही पाते हैं वो, जो सबसे मतलब थोड़ा सा उनको नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा पढ़ने में वीक हो या अपने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उनकी ये स्थिति है। और मैं डिफिनेशन जो लिखवाता हूँ वही वो लिख के आते हैं और करके आते हैं अच्छा खासा। मैं उनका न्यूमेरिकल पे काफ़ी अच्छा पकड़ बनवाता हूँ। तो वही कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को याद करके आप कब तक स्टोर रखेंगे? स्टोर तो रखने का एक समय होता है ना, कब तक स्टोर रखेंगे? तो इसीलिए स्टोर मत करिए आप सीधे सीधे। आज मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया। तो क्या है, मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखिए बच्चों को मैंने कैसे बनाया, ऐसे बनाता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई दो लॉ है, पहले बाहर वाला ले लो, बाहर वाला ले लो, फिर ये अंदर वाले की बात करना। तो मैंने क्या बताया, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन, पहला। दूसरा इंसिडेंस एंगल, अब अंदर की बात आ जाओ, इंसिडेंस एंगल ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिंग एंगल, मैंने यही बताया आपको। अब मैंने बताया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर या स्पेयर, स्पेरिकल मिरर किसको कहते हैं, अ स्पेरिकल मिरर इज द होलो स्पेयर ऑफ ग्लास। क्या किसी ग्लास का होलो स्पेयर ऑफ द ग्लास है? तो स्पेरिकल मिरर इज द होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, स्पेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज द होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर का या कॉन्केव मिरर का, और कॉन्केव मिरर जैसे कॉन्केव मिरर है, इज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज टुवर्ड द सेंटर, बस इसमें एक वर्ड याद करो, अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज टुवर्ड द सेंटर एंड कॉन्केव मिरर इज अवे फ्रॉम द सेंटर। इसी तरह मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे भी याद कराया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे बना लीजिए, एग्जाम में यहाँ पोल कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिरर कर देना, हो गया। तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लिखना हो तो अ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, हो गया कहानी खत्म। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, क्योंकि पूरा हमको लेना होगा। अपर्चर, अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास। पोल, अ पोल इज द सेंटर ऑफ क्या, मिरर, और क्या, सेंटर ऑफ मिरर, मिरर का है, स्पेयर ऑफ ग्लास मत बोलिएगा इसमें, मिरर बोलिएगा। इस तरह याद करते जाइए डेफिनेशन। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर है, मैंने बताया ऑल द इंसिडेंस रे फॉलिंग ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑल द रिफ्लेक्टिंग रे मीट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। उसी तरह प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, ऑल द इंसिडेंस रे फॉलिंग ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑल द रिफ्लेक्टिंग रे अपोजिट साइड मीट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। याद करने से अच्छा है किसी भी चीज को समझ जाइए और अपना जाके अपनी भाषा में लिख दीजिए, क्योंकि हर बुक में तो अलग अलग डिफिनेशन बना हुआ है, कोई एक डिफिनेशन तो है नहीं कि हर जगह। तो अगर देखिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, देखिएगा मैं इस इमेज फॉर्मेशन को यदि आपको समझाऊंगा ना तो आप इसको कहेंगे कि ये 6 और 1 7 है, 6 इसका हो जाता है 7। जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप कहेंगे वाओ कितना इजी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो सकता है, आप लोग थोड़ा वेट करिएगा अच्छे से। और आज के लिए इतना ही, कल मैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर आपको पढ़ाऊंगा।